नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। आज से 15 सितंबर तक के लिए 8 जोड़ी इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन शुरू हो गया, जिससे आम लोगों को सुविधा हुई है। जेईई, नीट और एनडीए परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों ने भी राहत महसूस किया है। हर 3 साल बाद राजगीर मास मेले को लेकर अति उत्साही पंडा समुदाय और कारोबारियों को इस बार कोरोना इफेक्ट ने आर्थिक परेशानी में डाल दिया है। पंडा समुदाय के सदस्यों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से इन लोगों को किसी तरह की आर्थिक सुविधा नहीं मिली है और ऊपर से मेले पर पाबंदी का ऐलान किया गया है। सूबे के इंजीनियरिंग एवं खास पॉलिटेक्निक कॉलेज में 605 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। 306 सिविल अभियंत्रण में सहायक प्रोफेसर के लिए 5 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। ई बुक का प्रावधान करने पर बल देते हुए केंद्र सरकार ने नए साल के लिए विभिन्न मंत्रालयों को डायरी, कैलेंडर, ग्रीटिंग कार्ड की छपाई बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत इस बार मंत्रालयों के विभाग, सरकारी बैंक एवं उपक्रम पर आदेश लागू रहेगा। पंचायत और निकाय शिक्षकों को इसी माह से सरकार ने ईपीएफ योजना में शामिल कर लिया है, इसलिए अब किसी शिक्षक के निधोपरांत उसके आश्रितों को 4 लाख का अनुग्रह अनुदान नहीं मिल सकेगा। संसद का मानसून सत्र इस माह 14 से 1 अक्टूबर तक चलने वाला है, लेकिन इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं हो सकेगा। लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दोनों सदनों की कार्यवाही शनिवार एवं रविवार को भी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी का मूड एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि ऐसी संभावना पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विचार कर रहा है कि वे जदयू की सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकता है। वैसे 119 क्षेत्रों के लिए रणनीति तैयार हो रही है। राजद के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का मानना है कि महागठबंधन की एकता बरकरार है और सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा जल्द ही हो जाएगा। एनडीए को पराजित करने की रणनीति तैयार की जा रही है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी का मानना है कि अब लालू ब्रांड की चुनावी वैल्यू खत्म हो गई है। अपने ट्वीट में मोदी ने कहा है कि चुनाव टालने वाले दल और गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। सूबे के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। राजद पर वे फिर से हमलावर हो गए हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा है कि नीतीश सरकार ने अपने 15 वर्ष के शासन काल में केवल विकास को ही आधार बनाया है, हर क्षेत्र में विकास को देखा जा सकता है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।